ममता मई रे भा तुम हो बड़ी महान और चरण शरण में आपकी जन जन का कल्याण जाओ की बात है। देखिए हनुमान जी महाराज को जब ब्रह्मत्या लगती है प्रभु राम की शरण में जाते हैं कि प्रभु आखिर ब्रह्मत्या से मुक्ति का कोई उपाय मुझे बताइए। भगवान श्री राम हनुमान से कहते हैं कि हनुमान क्या माँ नर्मदा की तपस्या करो जाओ और माँ रेवा ही तुम्हें ब्रह्मत्या से मुक्त करेगी। हनुमान जी माँ रेवा की शरण में तपस्या करने जाते हैं और क्या होता है अरमा नर्मदा की महिमा गई नर्मदा की महिमा बड़ी और द्वार दर्शन को दुनिया खड़ी
दीजिए गोलू दरबार जी। हमारे परम सम्मानीय गोलू दरबार जी को दोबारा ला रहे आपकी ओर से 501 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कह रहा है। हर ब्रह्म हत्या से समय को मैं आगे राम से तुम्हारा उसका एक छोटा सा भजन समझ जाओ समझ वालो नजारा नेक बाकी है बाकी है कैसे दबा हर दर्द की समझो समझ हम दर्द साफी है और फिर भी ना समझ फिर भी अगर नहीं समझे तो बिल्कुल ना समझ समझो क्योंकि समझदारों को तो बस केवल इशारा एक काफी है। जोश क्या जब होश में खुलकर खुलासा कह गई जोश क्या जब होश में खुलकर खुलासा कह गई और खोखली बेदम इमारत खाक बनकर ढह गई। श्याम कुदरत के करिश्मे को बया कैसे करे और आज मेरी जिंदगी बनकर तमाशा रह गई। नारायण दशरथ जब केकई को वरदान देते हैं कि 14 वर्ष राम वनवासी जब राम वन को जाने को तैयार होते हैं तो महाराज दशरथ ऐसी अवस्था में है कि कभी चेतना आ जाती है कभी अचेत हो जाते हैं। क्या होता है राम जी लक्ष्मण जी खड़े हैं पिताजी हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए लेकिन पुत्र मोह बस पिताजी कुछ नहीं कहते। गुरु वशिष्ठ उस समय आकर के राजा दशरथ को समझाते हैं कि हे राजन तो रघुकुल की बनी रीत उसूलो रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर बचन न जाई। दशरथ तो रघुकुल की बनी रीत सुनो को न बदलो फिर आपको श्री राम सा रघुवर अरे मुख मोड़ के ना जाओ ये अब सर अरे हम जैसा कभी आपको विचार करके देखिए महाराज दशरथ अरे हम जैसा कभी आपको आपको
क्या बात क्या और है अरे हाय मैं गुलाम हो गया हाय मैं गुलाम हो गया हाय मैं गुलाम हो गया हाय मैं गुलाम हो गया। आज महाराज दशरथ मुनि विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कहने लगे कि तमाशा हुई हुई तमाशा हुई तमाशा हुई हुई तमाशा मुझे बाबा मुझे बाबा मुझे तमाशा हुए मुझे तमाशा मुझे साथी न कोई सगा रखा